जय माता दी। नमस्कार, मैं हूँ रमेश भट्ट और आज हम अपने खास कार्यक्रम देव दर्शन को लेके पहुँचे हैं राज राजेश्वरी मंदिर के पावन धाम जलेड़ में। दरअसल इस पावन धाम के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ भक्तों की आकर मनोकामना पूर्ण होती है और हम सनातन धर्मियों के जीवन में नवरात्र का बड़ा विशेष महत्व है। इस वक्त हम जलेड़ सिद्धपीठ में मौजूद हैं और यही माँ राजराजेश्वरी का पावन धाम है। आइए जानते हैं माँ के महात्म्य को लेकर जो यहाँ के व्यास जी हैं उनसे, जितेन जी, आचार्य जितेन उनियाल जी, माँ के महात्म्य के बारे में, माँ राजराजेश्वरी के महात्म्य के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माँ राजराजेश्वरी का जो सिद्धपीठ है यहाँ पर, ये करीबन 500 साल पुराना है और 1100 वर्ष पहले करीबन जो श्रीनगर में जो टिहरी के जो राजा हुआ करते थे, वो राजा जब टिहरी श्रीनगर में राज्य करते थे तो दो संत वहाँ पर आए थे और उन्हें किसी कारणवश, क्योंकि उनके पास कुछ तांत्रिक शक्तियाँ थी, तो उन्हें टिहरी के जो राजा थे उन्होंने श्रीनगर में उन दोनों को, क्योंकि टिहरी के जो राजा हैं उनकी इष्ट हैं माँ राजराजेश्वरी नाम से जिनको जाना जाता है, तो उन्हें राजा ने ये कार्य सौंपा कि आप यहाँ पर रहकर, क्योंकि वो मिथिला से आए थे जो कि मुझे लगता है बिहार या उसके आसपास का क्षेत्र है मिथिला, वहाँ से वो आए थे, उनको राजा के द्वारा यहाँ पर माँ भगवती का पूजन करने के लिए कहा गया कि आप जीवन पर्यंत यहाँ पर पूजन करें, इसके लिए हम आपको जो भी बदले में जो भी दक्षिणा इत्यादि भरण पोषण हम आपका करेंगे। तो तब से लेकर के सज्जनों 1100 साल से लेकर के अब तक पूरे उत्तराखंड के अंदर माँ भगवती का जो पूजन करते हैं उनियाल जाति, जो काश्यप गोत्र और भारद्वाज गोत्र अलग अलग दो गोत्रों के हैं, और तब से लेकर के तब देवलगढ़ जो श्रीनगर के पास है वहाँ से माँ भगवती को ज्योति के रूप में, श्रीयंत्र के रूप में, इस ये जो जलेट नामक जो स्थान है यहाँ पर उस श्रीयंत्र को स्थापित किया गया। करीबन यहाँ पर श्रीयंत्र की पूजा की जाती है। जी जी सर, जी जी, हाँ जी, श्रीयंत्र की पूजा की जाती है, करोड़ों भक्त यहाँ पर आते हैं और माँ भगवती के सामने अपना मनोकामना रख के सभी की मनोकामना माँ भगवती यहाँ पर पूर्ण करती है। धन्यवाद आचार्य जी। तो आपने देखा माँ राजराजेश्वरी के दरबार में जो भी आता है, और जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि एक तरह से त्वरित उसको फल मिलते हैं, और यही भक्त लोग दूर दराज से आते हैं इसी मंगल कामना के साथ। और देवभूमि डायलॉग की भी यही कोशिश है कि अगर इस धाम तक, इस पावन धाम तक आप नहीं पहुँच पाए हैं तो देवभूमि डायलॉग के माध्यम से आप माँ राजराजेश्वरी के इस सिद्धपीठ के दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।